प्रमुख सचिव गृह डीजीपी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष ने 51,216 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का दावा किया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी तकनीकी खामियों के चलते 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू हो पाएगा। इसके चलते जेल बॉर्डर, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ जाएंगी। कोर्ट की फटकार के बाद भर्तियों को लेकर डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 58,860 पदों पर भर्तियों का पूरा कैलेंडर जारी किया था। इसमें सिपाही भर्ती के लिए 1 नवंबर से आवेदन ऑनलाइन शुरू होने थे, लेकिन एनआईसी से हरी झंडी न मिलने के कारण भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी नहीं हो सके। सूत्रों के मुताबिक एनआईसी को आवेदन फॉर्म को तैयार कराने में तकनीकी दिक्कत आ रही है। दरअसल सरकार कुछ कारणों के चलते वर्ष 2017 में सिपाहियों की भर्तियां नहीं निकाल पाई थी, जबकि उसने कोर्ट में हर वर्ष 30,000 पदों पर भर्ती कराने का हलफनामा दिया था। वर्ष 2018 में सरकार ने जब भर्तियां निकाली थी तो उसमें वे लोग आवेदन नहीं कर पाए थे जो वर्ष 2017 तक आवेदन करने के योग्य थे। ये सभी सरकार के खिलाफ कोर्ट चले गए और उन्हें वर्ष 2018 की भर्ती में मौका देने की मांग की, जिस पर सरकार की तरफ से उन्हें 51,216 सिपाहियों की भर्ती में मौका देने का कोर्ट में हलफनामा देना पड़ा। इसी पेच के चलते आवेदन फॉर्म तैयार होने में दिक्कत आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी आवेदन फॉर्म आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। यही दिक्कत जेल वार्डर और फायरमैन के आवेदन फॉर्म में भी आ रही है। सिपाही भर्ती के आवेदन फॉर्म आने के बाद ही इन्हें जारी किया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार का कहना है कि फॉर्म आने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन परीक्षा तय तारीखों में ही कराई जाएगी। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।